आयशा गुल कभी तो सुन लिया करो वक्त। आ आ सनम साहिबा, व्हाट अ सरप्राइज, आइए ना। गुड मॉर्निंग। आइए आइए। व्हाट अ गुड मॉर्निंग, आप आ गई सुबह सुबह। सनम मैडम रूम्स देखने आई हैं। वो चूज करेंगी कि कहाँ रहना है। हाँ तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए आइए। मेरा बेड, घर का मास्टर बेडरूम। नहीं अच्छा नहीं लगा। और ये औजान का कमरा है, मगर आप चाहें तो आपका इंतजाम वहां कर देती हूँ। I'm so sorry. कितना फैलाया हुआ है इस लड़के ने कमरा। हाय औजान। ठीक है, कमरा अच्छा लगा मुझे। जैसे आपकी मर्जी। आयशा गुल जी कहिए। अच्छे तरीके से कमरे की सफाई कर देना। हाँ वो तो ठीक है आलिया साहिबा, मगर औजान साहब का सामान मैं किस कमरे में रखूंगी। हाँ औजान के बारे में भी सोचते हैं। सर्वेंट क्वार्टर में। सर्वेंट क्वार्टर में? जी हाँ, मुझे लगता है औजान साहब वहाँ ज्यादा आराम से रहेंगे। वैसे मिस्टर औजान है कहाँ पे? ज़ैनब अपने भाई को जरा बुलाओ, कहो जहाँ है फौरन आए, बहुत बड़ी न्यूज़ है उनके लिए हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है मॉम। तुम लोग सारा सामान यहाँ रूम में रख दो। ओके आइए। शुक्रिया मैडम। क्या क्या कह रही हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, मैं आता हूँ। मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई, ये क्या तरीका है यार? बस बहुत हो गया। क्या हो गया अचानक, तुम्हें कहाँ जा रहे हो उस वक्त? देखो बड़ी, मैं तुमसे कह रहा था ना, तुम इस सनम को नहीं जानते, ये बुरे दिल की लड़की है। क्या यही काफी नहीं था, वो मेरे घर में रहने वाली है, वो तो मुझे सर्वेंट क्वार्टर में फेंक रही है। हद हो गई यार, शायद वो ये नहीं जानती कि मेरा नाम भी औजान है। औजान? क्या हाल है मेरी जान, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं जा रहा सीमा, कहीं नहीं। औजान? हाँ ये आके उठा लो। हाय सरकिन, क्या हाल है? ठीक हूँ सीमा, तुम कैसी हो बताओ? सेम हियर। ये बताओ औजान को क्या हुआ है? उसकी कंपनी किसी औरत ने खरीदी है ना। अच्छा क्या था उसका नाम? वही सनम मैडम। हाँ बिल्कुल सनम। खैर जो भी है, क्या हुआ है उसको? वो इसके घर रहने लगी है। उसके घर में औजान के? हाँ तो फिर आलिया साहिबा का क्या होगा? वो लोग भी उसी घर में ही रहेंगे। अरे क्या कहा, वो लोग एक साथ रहेंगे? मजाक कर रहे हो?
तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो एक ही घर में एक साथ रहेंगे? फजूल बातें मत करो, सच बताओ। ऐसी बात है, बताओ मुझे। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, ये औरत थोड़ी टेढ़ी है, यानी इससे निपटना आसान काम नहीं। टेढ़ी है, ठीक है, तो हम उससे निपट लेंगे। खुशामदीद ओज़ान साहब। इसे कहाँ लेकर जा रहे हो हुसैन भाई? सर्वेंट क्वार्टर लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा, अब हम सब फैमिली की तरह हैं। अरे सनम साहिबा, क्या बताऊँ, मुझे आपकी फैमिली से मिलने का कितना शौक है। आप अपनी फैमिली को भी यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? कहाँ रहते हैं वो लोग? इसी शहर में रहते हैं क्या वो लोग? मियामी में है। मियामी में है जी। आपको तो फिर वो लोग बहुत याद आते होंगे ना? हाँ, क्या करें, इंसान को वक्त के साथ साथ आदत हो ही जाती है। नहीं, मेरे लिए तो आदत डालना नामुमकिन है। बाबा गए, मुझे तो उनकी इतनी याद आती है। ज़ैनब बेटा, अपने प्रॉब्लम्स इन्हें बताकर क्यों परेशान कर रही हो तुम? हाँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं ज़ैनब, तुम जब चाहो हम आपस में बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है तुम्हारे भाई के कमरे में मैडम शिफ्ट हो गई है, अब तो तुम दोनों और भी करीब रहोगे ना, दो प्यारी बहनों की तरह। ये किस किस्म का एटीट्यूड है? आपको आइडिया भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं? मानता हूं कि कंपनी तुमने ले ली। ले ली है आपने सनम मैडम? जी, मेरा मतलब है कंपनी आपने ले ली है सनम मैडम, और हमारा घर भी ले लिया है, और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया मुझसे। हाय हाय, ओजान, ओजान, बेटा क्या बातें कर रहे हो तुम? हा? मुझे बात करने दे माँ। मिस्टर ओजान, हमने आपको एक मुश्किल सिचुएशन से निकाला और बचाया है, इसके बदले में आप क्या करना चाहेंगे? एहसान मानेंगे या चिल्लाएंगे आप? मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चाहती क्या हैं? क्या एक इंसान की जिंदगी से खेलना इतना आसान हो सकता है, बताइए। नहीं, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, बदतमीजी और बेरहमी है, बल्कि ज्यादती भी है। मुझे पूरा यकीन है आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के साथ भी इतनी बड़ी ज्यादती नहीं की होगी। लेकिन आपके साथ जो मैं कर रही हूं उसमें सिर्फ भलाई है। ज़ैनब डियर, बुरा मत मानना उस बात का जो अब मैं कहने वाली हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों से मिली, आप लोग तबाह हो चुके थे, बहुत बड़े कर्ज के दलदल में फंसे थे, आपकी कंपनी और घर हाथ से निकल चुका था। किसने आपको इस दलदल से निकाला है? मैंने। सही कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। चाहो तो अपनी फैमिली के साथ मेरी प्रॉपर्टी से जा सकते हो तुम। ओजान, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं तो रूल्स मेरे फॉलो होंगे इस घर में। अब जितना जल्दी हो सके अपना सामान आप ऊपर से पैक कर लें, क्योंकि आज रात मैं अपने कमरे में ही सोना चाहती हूँ। ये क्या है? नाजली? नाजली कौन है? ओजान साहब, खुशामदीद, मैं आपका सामान ही समेट रही थी। वैसे तुम तो कल से इंतजार में थी मुझे यहाँ से निकालने के लिए, कसम से हद होती है। ऐसे तो ना कहें ओजान साहब, वाकई हद करते हैं आप तो। ये घर तो आपका है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम? इसे ना खोने के लिए जितनी मुमकिन कोशिश हो कर रहे हैं हम। ये लीजिए। क्या मैं अपने रूम में आ सकता हूँ? औजान साहब प्लीज, आप थोड़ी समझदारी दिखाइए, अभी एक नौजवान लड़की का कमरा है, यानी सनम साहिबा का कमरा है। मैं एक चीज भूल गया था, बस वो देखने आया। नहीं, आप कुछ नहीं भूले, मैंने हर चीज चेक कर ली और बहुत अच्छी तरह वैक्यूम भी कर दिया है। वैक्यूम कर दिया? हाँ, जाहिर है वैक्यूम कर दिया है, ना करती तो और क्या करती औजान साहब। औजान साहब, एक बात तो बताइए, जो चीज आप ढूंढ रहे हैं लगता है बहुत खास है,
नहीं आशा गुल, नहीं। भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं भाई, एनेक्सी में सामान रख रहा है। मैं अपना बंदोबस्त कहीं और करने जा रहा हूँ। भाई ओजान, भाई भाई रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। ओजान, ओजान, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, मेरी बात सुनो। ओजान, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा, मकसद क्या है तुम्हारा? ये बताएं आप क्या करने जा रही हैं माँ, इस घर में कितने सारे कमरे हैं, जरा सोचिए तो सही आप। भाई भाई रुकिए प्लीज, भाई बाबा भी छोड़ के चले गए और अब क्या आप भी हमें छोड़ के चले जाएंगे? हम अपनी हर चीज खो रहे हैं, क्या मैं अब अपने भाई को भी खो दूंगी? आप जानते हैं ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। भाई प्लीज, भाई प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए भाई। मुझे अकेला नहीं रहना भाई। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। चलो तुम बैठो जाओ। एक कहानी थी जिसका नाम था कावान, पता नहीं आपने सुनी है या नहीं। और उस कहानी का हीरो अपना बाजू कटने के डर से गुलामी करने पर राजी हो गया, मगर सिर्फ गुलामी ही सजा नहीं थी, उसे हर रोज ऊंची आवाज से कहना पड़ता था कि मैं गुलाम हूं। हम इस कहानी को बचपन से ही जानते हैं मिस्टर अजान, पॉइंट की बात कीजिए प्लीज। देखिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे दूर से देखा जाए तो ऐसा नजर आता है जैसे अभी इज्जत बाकी। आप किस टाइप के हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, फालतू बातों में वक्त जाया ना कीजिए। तो एक दिन उस कहानी के किरदार ने हार मान ली, एक कुल्हाड़ी ली और बाजू काट दिया, काट के अपने मालिक के आगे डाल दिया और ये कहा कि मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया है, बेशक आप आए और आपने हमारी जिंदगियों को बचा लिया, मगर हर गुलामी की एक कीमत होती है, ये बात आप भूलिएगा मत सनम मैडम।